दोस्तों आज हम आए हैं बजाज के शोरूम में और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बाइक के बारे में जो कि यंगस्टर्स में हमेशा ही चर्चे में रहती है और वो बाइक है द बजाज पल्सर RS 200। जो बाइक है दोस्तों ये कुछ ही गिने चुने शोरूम में आपको देखने को मिलेगी और उन्हीं में से एक है कोलकाता की रोल्टा बजाज। शोरूम की जो एग्जैक्ट डिटेल्स और लोकेशन वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में कि लुक वाइज कैसी है ये बाइक, मतलब कि ऑल ओवर एक वॉकअराउंड वीडियो होने वाला है, साथ ही प्राइसिंग वगैरह क्या होती है और कौन सी जो है फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। सो टुडे आई एम गोइंग टॉक अबाउट द ऑल टाइम फेवरेट बजाज पल्सर RS 200। आई एम प्रोलॉय, आप देख रहे हैं, सर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट लुक के ऊपर। यहाँ पे जो है आपको LED DRS देखने को मिल जाती है और इंडिकेटर्स वगैरह जो है इस बाइक की वहाँ पे भी आपको LED देखने को मिल जाती है। पर जो हेडलैम्प है दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलती है, मतलब कि इस हेडलैम्प से जो है आपको काफ़ी कंसंट्रेटेड थ्रो मिलने वाली है, रात में भी जो है आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी इससे मिल जाएगी। इसके ठीक अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट सी विंडस्क्रीन देखने को मिलती है। जब इस बाइक को आप हाई स्पीड पर रन करेंगे तब आप को जो है विंड ब्लास्ट से इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और यहाँ पे जो दोस्तों फुल फोल्डेड मिरर्स आ जाती है, इससे भी जो है विजिबिलिटी आपकी पीछे की तरफ अच्छी बन जाती है और यहाँ पे जो है आपकी फ्रंट की नंबर वगैरह आ जाएंगी। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस बाइक को जब हम इग्निशन देते हैं तब सामने से कैसा दिखता है। तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर सा जो है इसका DRS वगैरह आ जाती है और यहाँ पर जो है आपकी प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प है दोस्तों यानी कि लो भी वो यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे जो आपकी हाई भी आती है, मतलब कि सामने से अगर इस बाइक को आप देखेंगे जब पूरी तरीके से जब ये बाइक चलती है तब कैसा लुक जो है आपको ये प्रोवाइड करने वाला है। और दोस्तों अगर इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे ऊपर आए तो यहाँ पे हमको एक RPM मीटर देखने को मिल जाता है और जो यहाँ पे है आपकी डिजिटल स्पीडोमीटर वगैरह आ जाती है, यहाँ पे आपकी ट्रिप वगैरह देखने को मिल जाएंगी और जो यहाँ पे है आपको एक क्लॉक भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपको RPM लिमिट का एक लाइट देखने को मिल जाएगा, जब आप RPM लिमिट को क्रॉस करेंगे तब ये ब्लिंक करने लगेगा और यहाँ पर जो है नीचे आपको ABS का लाइट भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको बजाज की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। और इसके ठीक अगर पीछे आए तो यहाँ आपको आपको एक 13 लीटर का मस्कुलर फ्यूल टैंक भी देखने को मिल जाता है, पल्सर का यहाँ पे 3D बैजिंग भी आ जाता है। और दोस्तों इस बाइक का अगर माइलेज हम एक्सपेक्ट करें तो वो 30 to 35 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 35 जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा माइलेज हम कह सकते हैं और इससे जो कि है आपको एक अच्छी राइडिंग रेंज भी मिलने वाली है। और दोस्तों टैंक के बाद अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको एक टैंक के ऊपर टैंक गार्ड भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपकी थाई सपोर्ट भी आ जाती है। और दोस्तों अगर उसके बाद अगर ये इसके सीट पे आए, जो राइडर सीट है उसका जो सीटिंग एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड है दोस्तों और इससे जो है काफ़ी कंफर्टेबल भी आपकी जर्नी होने वाली है, मतलब कि इसको लेके जो है आप बहुत दूर दूर तक भी जा सकते हैं। और उसके अगर पीछे आए तो एक स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से अगर कहूँ तो इसका जो पिलियन सीट है दोस्तों वो भी काफ़ी चौड़ी है, मतलब कि इसमें भी बैठने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और यहाँ पर जो है काफ़ी सुंदर सा जो है आपकी ग्रैब रेल्स वगैरह आ जाती है। अब अगर इसके पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे है मेन मुद्दा, मतलब कि इसकी जो दोस्तों टेल लैंप है दोस्तों ये जब लॉन्च हुई थी बाइक तब से लेके आज तक काफ़ी चर्चे में रह चुकी है। ये जो टेल लैंप है दोस्तों ये काफ़ी लोगों को जो है बहुत पसंद आती है और कुछ कुछ लोगों को जो है दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत में डाल चुकी है लाइट, क्योंकि इसका पीछे भी एक रीज़न है कि ये जो लाइट है दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा जो है बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, तो थोड़ा सा भी अगर इम्पैक्ट होता है तो सबसे पहले अगर टूटने वाला कोई चीज़ है तो ये लाइट ही है। पर अगर आप इसको जो है ध्यान से देखेंगे तो इसके प्यार में पड़ जाएंगे। और दोस्तों इस बाइक के अगर सामने की तरफ फिर से आएंगे तो यहाँ पे जो है हमें एक 37mm का टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाता है। फोक के ऊपर दोस्तों यहाँ पे रिफ्लेक्टर वगैरह आ जाती है, यहाँ पे आती है ABS का ब्रांडिंग मडगार्ड के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कार्बन फिनिश देखने को मिलती है जो कि इस बाइक को और भी ज़्यादा जो प्रीमियमनेस है वो बढ़ा देती है। अब यहाँ पे आपको एक 300mm की जो है डिस्क साइज़ देखने को मिल जाती है, फ्रंट डिस्क जो है, और यहाँ पर आपकी वाइब्रेकी कैलिपर्स का इस्तेमाल की गई है। और यहाँ पर जो है दोस्तों बोथ एंड में
आपको 17 इंच की व्हील साइज़ देखने को मिल जाती है। फ्रंट की जो टायर है उसकी अगर साइज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको 100x80 सेक्शन की टायर देखने को मिल जाती है। और दोस्तों चलिए यहाँ से पीछे की तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ पे जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे भी आपको 17 इंच की ही व्हील साइज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे जो टायर साइज़ है वो है 130x70 सेक्शन की, और यहाँ पे भी दोस्तों MRF का टायर का इस्तेमाल की गई है। यहाँ पे आ जाती है आपकी जो छोटी सी एक प्यारी सी एग्जॉस्ट पाइप, पर ये जो दोस्तों प्यारी दिखने में है पर इसकी साउंड जो दोस्तों काफ़ी बेसी है। अब इसके पीछे दोस्तों यहाँ पे आ जाती है इसकी मडगार्ड्स वगैरह, और इस बाइक की रियर की जो डिस्क साइज़ है वो भी दोस्तों आपको 230 mm की देखने को मिल जाती है। और पीछे भी यहाँ पे आपकी बाइब्रे की जो कैलिपर्स है उसका इस्तेमाल की गई है। दोस्तों इस बाइक की जो रियर सस्पेंशन है वहाँ पे आपको नाइट्रॉक्स की मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलती है और ये एडजस्टेबल है। अब इसका जो एग्जॉस्ट नोट है दोस्तों वो हम थोड़ा सा बाद में आपको सुनाते हैं। दूसरी तरफ अगर जाते हैं इस बाइक की पीछे की सेक्शन की तरफ तो यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी इंजन के बारे में। दोस्तों इस बाइक की अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पे हमें एक 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 valve FI इंजन देखने को मिल जाती है, और ये एक DTSI इंजन है बजाज की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों हमें ट्रिपल स्पार्क देखने को मिलती है, और जिससे कि परफॉर्मेंस वगैरह आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को यहाँ पे मिलती है। और ये जो इंजन है इसका पावर आउटपुट दोस्तों 24.5 PS का है, और जो टॉर्क है दोस्तों ये इंजन जो प्रोड्यूस करता है वो है 18.7 Nm का। साथ ही यहाँ पे आपको 6-speed गियर बॉक्स भी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ये जो इंजन है इससे जो टॉप स्पीड जो है आप गेन कर सकते हैं वो कुछ 144 kmph तक है। अब इस बाइक की दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो है 157 mm का, सीट हाइट कुछ है 800 mm की, और जो इसका जो कर्व वेट है दोस्तों वो है 166 kg का। अब दोस्तों ये जो बाइक है इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो इसकी जो फ्रेम आती है इसको दोस्तों पेरीमीटर फ्रेम कहा जाता है, और यहाँ पे आपकी आ जाती है दोस्तों क्लिप ऑन हैंडल बार। इन दोनों की मदद से जो है इस बाइक की जो दोस्तों हैंडलिंग वगैरह है वो काफ़ी बेहतरीन बन जाती है। दोस्तों लुक वाइज जो है ये बाइक काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे आपको जो है RS 200 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपकी आ जाती है कार्बन फिनिश स्टिकर्स वगैरह, और यहाँ पे भी दोस्तों 200 का बैजिंग वगैरह आ जाती है। मतलब कि काफ़ी प्रीमियम सा जो है ये लुक आपको प्रोवाइड करने वाला है ये बाइक। साथ ही टोटल 3 कलर ऑप्शन के साथ ये बाइक आता है दोस्तों, एक है रेड, दूसरा है ग्रे, और तीसरी है वाइट। अब चलिए दोस्तों सुन लेते हैं इस बाइक की एग्जॉस्ट नोट। दोस्तों यही था द बजाज पल्सर RS 200 का एग्जॉस्ट नोट। अब दोस्तों फाइनली आते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के ऊपर। ये जो बाइक है दोस्तों इसका ऑन रोड प्राइसिंग 2,09,300 के आसपास है। ये जो प्राइस है दोस्तों ये एक अप्रॉक्स प्राइस है, एग्जैक्ट जो प्राइसिंग वगैरह है दोस्तों वो जानने के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा मध्यम ग्राम की रोल्टा बजाज में। दोस्तों शोरूम की जो डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आप वहाँ पर जाके जो है ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और दोस्तों फाइनली अगर इस बाइक की वर्डिक्ट के बारे में बात करूं कि क्या ये बाइक आपको परचेस करना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों फीचर्स का बात ज़रूर आएगा कि फ़ीचर्स कहाँ गया आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बजाज जो है दोस्तों हमेशा से ही प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है। मतलब कि जो फीचर्स आपको सच में नहीं चाहिए वो सब दे के इस बाइक का प्राइस को खामखा बढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं बैठता। और इसीलिए जो है दोस्तों हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली की लड़के भी इस RS 200 को परचेस करने का सपना देखते हैं। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन साइनिंग ऑफ।